आईपीएल का 22वां मैच चेन्नई और केकेआर के बीच खेला गया। इस मैच में चेन्नई टीम टॉस जीतकर केकेआर को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। केकेआर के लिए फिन शॉर्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत करी। नारायण ने इस मैच में 20 गेंदों में 27 रन की पारी खेली। इस पारी में 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी इस मैच में 32 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। केकेआर के लिए कोई भी अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और केकेआर की टीम 20 ओवर में मात्र 137 रन पर सिमट गई। चेन्नई के लिए इस मैच में तुषार देशपांडे ने 3 विकेट निकाले। इसके साथ ही जडेजा ने भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। जडेजा 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके। आगे के मैच के बारे में बात करूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 138 रन के लक्ष्य की अपेक्षा करने के लिए चेन्नई की ओर से रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत करी। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और गायकवाड़ ने 58 बॉलों में 67 रन की पारी खेली। इसके साथ ही शिवम दुबे ने योगदान दिया। दुबे ने 18 बॉलों में 28 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के शामिल थे और इन दोनों की पारी चलते सीएसके टीम ने 17 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। सीएसके ने यह मैच 7 विकेट से नाम कर लिया। इस मैच को जिताने में जडेजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसके लिए जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को शेयर करें।